इसको मैं बोलता लेकिन जनरली इसको प्रसीज बोला जाता है या प्रेसी भी कहा जाता है मतलब प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है मुझे हमेशा जो वर्ड है ना वो प्रोनाउंस मतलब के मुंह से निकल जाता है इसको जनरली हम प्रेसी करके बोलते हैं ठीक है ठेके? प्रेसी ठीक अब बेसिकली प्रेसी में होता क्या है बेसिकली इसको लिखा कैसे जाता है इसका फॉर्मेट क्या है इसकी बाकी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं देखो प्रेस आपका जो होता है जनरली आपका किस तरह का फॉर्मेट दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट दे दिया गया है इसमें क्या लिखा गया है 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 का ही कि अटेम्प्ट ऑफ ऑफ द गिवन इन इट्स ना हमें क्या करना है हमें एक पैसेज जो है वो दे रखा है इस पैसेज की टोटल वर्ड लिमिट भी यहाँ लिखी गई है और यहाँ पर यह बोला गया है कि इसकी वन थर्ड ऑफ लेंथ में हमें क्या करना है प्रेसी को लिखना है कोई टाइटल सजेस्ट मत कीजिए डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल

मार्क्स का प्रेस होता है और एक ही प्रेसि होता है ठीक है ज्यादा प्रेस नहीं होते दो तीन नहीं होते एक मात्र एक प्रेस होता है तो पंद्रह नंबर आपके जो होते हैं वो इस कंटेंट से अब सबसे पहली बात आपको जो नोटिस करनी है कि प्रेसी जब हमें लिखना है तो हमें कोई भी टाइटल नहीं लिखना है वैसे जनरली क्या होता है प्रेसी में हम एक टाइटल लिखते हैं है ना अगर हम प्रेसी के फॉर्मेट को देखें तो उसमें एक टाइटल लिखा जाता है लेकिन यहां पर क्या बोला है यहां पर रसी बीत के एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें प्रेसी का टाइटल नहीं लिखना आप इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि बेसिकली क्या इसमें होता है अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि आपको पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ को आपको क्या करना है छोटा करके लिखना है ये हमारी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होती है प्रेसी के बारे में लेकिन एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं समरी है, है ना तो भाई समरी ऑफ ब्रसी के प्रेसिंग के बीच में फर्क क्या है किसी को आइडिया है समरी में वर्ड लिमिट नहीं होता है मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा अगर एग्जाम में आपकी समरी दी गई है तो उसमें वर्ड लिमिट भी तो तो लगा सकते हैं। हाँ, वो है ना? वर्ड लिमिट भी नहीं होता लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें वर्ड लिमिट लगा दी ना। एग्जैक्टली exactly समरी क्या होता है आपके अंडरस्टैंडिंग क्या है सबसे आंसर चाहिए भाई कोई जो दिया है उसमें शॉर्ट से बताना उसमें शॉर्ट में बताना हाँ तो वो काम तो हम प्रेसी में भी करते हैं शॉर्ट में बताते हैं सर इंपॉर्टेंट चीज़ चीजें खाली लिखना किसमें लिखना समरी में या प्रेसी में प्रेसी में ठीक है बढ़िया और 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 भाई बताइए तो प्रेसी में हम अपना ओन डाल सकते हैं अपने वर्ड्स डाल सकते हैं समरी पर नहीं डाल सकते देखो समरी में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो गिवन पैराग्राफ होता है ना उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना उन पॉइंट्स को हमें ब्रीफ में लिखना होता है यानी कि शॉर्ट में लिखना होता है और कोशिश ये रहती है कि तकरीबन सारे के सारे पॉइंट्स जो समरी में जो आपके बेसिकली पैराग्राफ में दे रखे हैं उसको समरी में इंक्लूड किया जाए लेकिन प्रेसी में क्या होता है कि आपके सिर्फ एजेंशियल जो होते हैं है ना या फिर इनको मेन पॉइंट्स बोलते हैं वही कवर किए जाते हैं जो पैराग्राफ का आपको क्या कर देते हैं एक बेसिक आइडिया तो सिर्फ एजेंशियल और मेन पॉइंट्स को ही कवर किया जाता है इधर उधर की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया जाता है समरी में आपको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में कवर नहीं करना पड़ता है ना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं कवर करना होता आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं लेकिन प्रेसी में आपको जो ओरिजिनल ऑर्डर पैसेज में दे रखा है आपको उसको मेंटेन कर रहा है।, है ना तो ये एक बेसिक सा फर्क आ जाता है इन दोनों के बीच में इससे हमारा प्रेसी और समय के बीच की चीज़ें डिटरमाइन होती है अब इनमें और भी चीज़ें आती हैं लाइक हम प्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं तो और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए तो देखो प्रेसी लिखते हुए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है उसमें सबसे पहला आ जाता है ये कि हमें जो है कंप्लीट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना होगा है ना कंप्लेंट कंप्लीट सेंटेंसेस आर सेंटें आप इनमें फ्रेसिस नहीं लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा आप इनमें क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करेंगे आप इनमें आधे के दूधे सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे आप उनको ग्रामेटिकली करेक्ट लिखेंगे तो कंप्लीट सेंटेंसेज हमारे होने चाहिए और इन सेंटेंसेस में हमारे जो भी एब्सिल्यूट इजेंशियल पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को हमें कवर करना है है ना वही पॉइंट्स हमारे कवर होंगे फिर उसके बाद क्या होता है इसमें आपको जो और है जिसने भाई ये हमारा प्रेसिज सॉरी जिसने हमारा जो पैसेज लिखा हुआ है आपको उसकी टोन को मेनटेन करना पड़ता है टोन आपको पता होगा ना टोन किसी पैसेज की टोन क्या होती है टोन में अलग अलग चीजें आ जाती हैं डिस्क्रिप्टिव भी आ जाता है, है ना बंदा डिस्क्राइब कर रहा है

आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं डालना जो भी पैसेज में दे रखा है आपको उसी इंफॉर्मेशन को कवर करना है। ठीक है उसके बाद जैसे मैंने बताया इसमें और हमें क्या करना होता है कि हमें पूरे प्रेसी को वन थर्ड लेंथ में लिखना होता है इसको मैं अभी आगे जाके बताऊंगा कि यह हमें कैसे डिटरमाइन करना है वन थर्ड लेंथ में हमें करना होता है और पूरे प्रेसी के लिए हमें एक सिंगल पैराग्राफ यूज करना हो ठीक है आपको पैराग्राफ ब्रेक नहीं करने होते आपको सिंगल पैराग्राफ में प्रसी को लिखना होता है उसके बाद क्या चीज आती है उसके बाद में ये चीज आती है देखो अगर इसमें कोई भी डायलॉग्स लिखे हुए हैं अगर जो कैरेक्टर्स हैं या फिर जो भी उसके अंदर में लोग बाग हैं वो लोग अगर डायलॉग्स में बात कर रहे हैं तो आपको उन डायलॉग्स को ट्रांसफॉर्म कर देना ठीक है आपको उन डायलॉग्स को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर देना है ट्रांसफॉर्म कर देना है ये हम ग्रामर में पढ़ेंगे आपको ऐसा नहीं करना कि भाई किसी ने कोई डायलॉग दिया तो आपने उसको वैसे का वैसा ही कोट कर दिया नहीं ये हमें नहीं करा हमें उसको क्या करना है हमें उसको ऐसे बताना है कि हम किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को बता रहे ये करना है इसी में आ जाता है कि देखो भाई आपको आई मी यू वी यानी कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन वाली चीजें हैं आपको वो इस्तेमाल नहीं करनी है आपको जनरली चीजों को जो है वो थर्ड पर्सन में लिखना है थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है ही शी दे एसेट्रा ये सब चीजें आपकी क्या आ जाती है ये सब आपकी थर्ड पर्सन में आ जाती है अब ये तो मतलब कुछ हमारे बेसिक बेसिक से एलिमेंट आ गए है ना अब इसमें अभी मैं आपको फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ कि जो मैं प्रेसी स्ट्रीट मिलती है उसमें क्या होता है कुछ इस तरह की शीट होती है आपके पास ठीक है एक लाइन में होते हैं पांच वर्ड दो लाइन को टोटल मिला के होते हैं दस वर्ड यानी कि शीट पे आपका ऐसे बगल में मार्जिन होगी उसमें दस लिखा होगा फिर उसके बाद में नीचे आपका ये पोर्शन होगा सेम डिवीजन होगा ऐसे और यहां पर भी आपका लिखा होगा बीस है ना तो हमें लिखना कैसे होता है हमें सिंपली ऐसे लिखना होता है दैट माई नेम इज अरुण ठीक है इस तरीके से लिखना होता है आई स्टडी इन बेट फिलहाल कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है अब यहां से अगर आप देखोगे तो आपको एग्जैक्ट वर्ड को काउंट करने में हेल्प मिल रही है यानी कि आपने एक लाइन कवर करी तो पांच वर्ड हो गए दो लाइन आपने कवर करी तो फिर कितने हो गए हमारे दस वर्ड हो गए सिमिलरली हमने ये भी भर दिया ये भी भर दिया तो इससे हमें वर्ड काउंट करने में हेल्प मिलती है ठीक है ये आपकी का फॉर्मेट होता है आपको सिंपल जैसे ऐसे के टाइम आर्ग्यूमेंट के टाइम या रिपोर्ट के टाइम ऐसे दिया जाता है ना ये वाला तो ये हमें नहीं दिया जाता इसमें वार्चेस तो होती है लेकिन बीच में ऐसे ब्लॉक्स बने हुए ठीक है अब हमें कर रहा है क्या इसमें आगे हमें देखो सबसे पहले क्या करना है हमें ओरिजिनल जो पैसेज है उसकी रीडिंग लगानी है जल्दी से जल्दी ठीक है इसके लिए आपको अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ानी बढ़ानी पड़ेंगी ओरिजिनल पैसेज की को आप रीड कीजिए ठीक है उसकी कम से कम दो तो रीडिंग आप लगाइए लगाइए दो रीडिंग आप जल्दी जल्दी लगाइए तो क्या होगा आपको उसके की वगैरह समझ में आ जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जैसे कि आप उसकी थीम के बारे में समझ जाएंगे किस थीम पे ये हमारा पैसेज लिखा गया है इसका पर्पस क्या है राइटिंग का ठीक है उसको लिखने का पर्पस क्या है ऑथर ने कौन सी उसमें टोन यूज की है किस तरह के फैक्ट्स को और या फिर इंफॉर्मेशन को जो है वो उसने इस पैसेज में कवर किया है ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारी आ जाएंगी किसमें इस बेसिक रीडिंग में आ जाएंगी जब ये चीजें हम समझ लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे हम धीरे धीरे बोल <laughs> सके पैसेज के फर्दर फॉर्मेट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई हमें क्या करना है एक ब्लॉक के अंदर एक वर्ड ही लिखना है ठीक है ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अब देखो आपको करना है क्या कि भाई जैसे हमारा ये प्रेसिया आता है आपको एक पैरा एक टाइम पे उठाना है यानी कि वन पैराग्राफ एट अ टाइम हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेंगे हम डिवीजन ऑफ लेबर वाला प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करेंगे यानी कि हम पूरे पैराग्राफ को एक साथ नहीं देखेंगे हमने इसको पढ़ तो लिया है हमको उसकी सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग आ गई है हमें उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है लेकिन अब हम क्या करेंगे अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे जैसे कि आप इस पहली लाइन को ले लीजिए हाँ नहीं सबसे पहले क्या करना है हमें टोटल पता है कि भाई हमारी टोटल इसमें कितने हैं तो इसके वन थर्ड आपको जो लिमिट है वो चाहिए अब इसकी इसकी लिमिट लिमिट कितनी होगी इसकी में आ जाता है हमारा 150 वर्ड्स के आसपास ठीक है 150 वर्ड्स के आसपास जो है हमारी वन थर्ड लिमिट में आ जाती है तो अब इस शीट में क्या होता है ना इस शीट में जो आपके ब्लॉक्स ऐसे बने रहते हैं ना तो इन ब्लॉक्स में आपका टेन हो गया फिर ट्वेंटी हो गया फिर आपका फोर्टी हो गया फिर सिक्सटी हो गया फिर एट्टी हो गया फिर हंड्रेड हो गया फिर वन ट्वेंटी फिर वन फोर्टी है ना फिर आपका वन सिक्सटी आ जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हमें कहाँ पर खत्म करना है तो आप उस पॉइंट पे क्या करेंगे उस पॉइंट पे हल्का सा मार्क कर देंगे वन फोर्टी वन सिक्सटी के बीच में भाई हल्की पेंसिल से या फिर किसी अपने कि भी चीज से आपने मार्क कर दिया कि भाई यहाँ से मुझे आगे नहीं बढ़ रहा है ना तो आपने क्या कर लिया एक डेडलाइन अपने लिए सीमित कर ली कि भाई यहाँ पे मुझे अपना जो पैस पैसी है वो खत्म कर देना है अब उसके बाद में आप क्या करेंगे आप सबसे पहले इस पूरी ओवरऑल लाइन को देखेंगे इस लाइन में आपको क्या देखना है इस लाइन में आप देखेंगे कितने वर्ड हैं? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ठीक है तो तकरीबन तेरह चौदह वर्ड्स इसमें आते हैं टोटल लाइन कितनी आती है एक दो तीन चार पाँच छो चौदाह इंटू छ हमारे पास हो जाता है एटी फोर वर्ड्स एट्टी फोर वर्ड्स को हमें में काउंट करना है तो वन थर्ड में अगर हम काउंट करेंगे हमारा ये आ गया है ना तो आप इसमें इसका जो भी सार लिखेंगे हटाएंगे तो आप उसको सिर्फ ट्वेंटी एट से थर्टी वर्ड्स में करेंगे तो जो पूरा का तो पूरा जो होता है वो हमारा मैथमेटिकल होता है है ना इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो हमारी मैथमेटिकल होती है यानी कि कितने में इसको डिवाइड करना पड़ता है किस हिसाब से लिखना पड़ता है ये पूरा मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी होती है तो हमने क्या कर लिया इसको हमने आ, क्या बोलते हैं टोटल ट्वेंटी से लेकर थर्टी लाइन्स में डिवाइड कर लिया है ना तो हमारी छह लाइन्स थी इन छह लाइन्स को अगर वर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो चौरासी वर्ड से हमारे अट्ठाईस से तीस वर्ड्स आ गए अगर लाइन्स की बेसिस पे देखा जाए तो छह से हमारी दो लाइन्स आ जाती है अब दो या तीन लाइन्स समझ के चलोग ठीक है दो से तीन लाइन इसमें कवर हो गई सिमिलरली आप बाकी सारे पैसेजेस के लिए भी क्या करेंगे यही चीज करेंगे अगर यहाँ पर आपके टोटल पांच लाइने आती है तो इसको आप एक से डेढ़ लाइन में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर आगे हमारी छह लाइने आती हैं तो दो लाइन में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह लाइन आती है तो यहाँ पर आपकी तकरीबन पाँच छः से लेकिन मेरे ख्याल से पांच से छः लाइनों में आपको इसको कन्वर्ट कर ठीक है उससे ज्यादा भी नहीं छह या फिर चारा लाइन लगी ठीक है इतना आपको कन्वर्ट करना है यानी कि इस तरीके से कन्वर्जन का रूल हमें करना होता है हमें जब भी हम एक पैराग्राफ को कंसिडर कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है उस टाइम पे हम के को जाए। आप बाकी के पैराग्राफ को भूल जाओ आप सिर्फ इसी पैराग्राफ पे फोकस करो कि मुझे अभी तो बस इस पैराग्राफ को ही वन थर्ड लेंथ में कन्वर्ट करना है फिर मैं इस पैराग्राफ को करूंगा फिर मैं इस पैराग्राफ को फिर मैं इस पैराग्राफ को, को और उसके बाद इस पैराग्राफ को कन्वर्ट किया जाएगा तो ये जो डिविजन ऑफ लेबर होता है इससे क्या होता है हमारा काम हो जाता है आसान और हम पूरे के पूरे प्रेसिस को एक टाइम पे नहीं देख रहे हैं हम उसको ब्रेक डाउन करके धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है तो ये काम करना होता है इसके बाद में दूसरी चीज क्या होती है भाई इसमें क्या और करना होता है हमें कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमें कंप्लीट सेंटेंसेज यूज करने हैं फ्रेजेस वगैरह हमें यूज नहीं करने किसी भी तरह की रिडनडेंट इंफॉर्मेशन जो है जो कि प्रेसी में सॉरी पैसेज में नहीं दे रखी है उस तरह की इंफॉर्मेशन को हमें बाहर से नहीं लाना बाहर से कुछ भी नहीं लाना है यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन जो आउटसाइड पैसेज को बिलोंग करती हो उस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर नहीं लेके आए आप सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे जो हमारे पैसेज में दे रखती है आपको एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन करके रखना है ठीक है ये प्रैक्टिस के साथ आएगा फ्लो मेंटेन करके चलेंगे आप और आप ग्रामेटिकली इसको क्या करेंगे आप ग्रामेटिकली इसको सही करें है ना ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्मेट में आपको लिखना है आपको कोशिश करना है कम से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी इसमें हमें ओरिजिनल जो पैसेज हमने लिखा हुआ है उस ओरिजिनल पैसेज के जो इंटेंट है उसकी जो मीनिंग है उसको हमें बरकरार रखना है उससे हमें बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना है किसी भी तरह के एब्रीविएशन या किसी भी तरह की शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह है उनका यूज हमें नहीं करना है है ना उनका यूज नहीं करना है यानी कि ये जो एंड भी हम यूज करते हैं ना इसके कंटेक्ट को भी आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर हम एंड और कहाँ पर हम एंड करते ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी फिर उसके बाद आपको जो सेंटेंसेस बनाने हैं वो अपने वर्ड्स में बनाने हैं आपको सेंटेंसेस अपने वर्ड्स में तो बनाने हैं लेकिन लेकिन कहीं भी तरीके से आपको जो पैसेज है उसकी कॉपी नहीं करनी है ना हमें सेंटेंसेस अपने वर्ड्स में बनाने हैं हमें डेटा का यूज करना है जो हमारे पैसेज में दे रखा है हम उस डेटा का यूज करेंगे हम उन की का भी यूज करेंगे है ना हम उन की का भी यूज करेंगे और ऐसी जो भी चीजें जो हमारे ओरिजिनल पैसेज में है हम उनको यूज करेंगे लेकिन हम उनको डायरेक्टली उठा के कॉपी नहीं करेंगे यानी कि कॉपी बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए ठीक है ये बेसिकली हमें इस तरीके से प्रसिद करना पड़ता है ठीक है तो आपने पैराग्राफ्स को डिवाइड किया एक एक पैराग्राफ को आपने ये सब काम पहले ही कर लिए आपने पहला पैराग्राफ देखा आपने डिसाइड कर लिया से तीन लाइन आएंगी चार से पांच आएंगी चौथा तो आपने क्या कर को कर कि इतनी इतनी लाइन में मैंने इसको डिवाइड कर लिया जब ये लाइन्स आपके पास आ जाती है तो इन लाइन के बेसिस पे आप वर्ड काउंट निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है कि एक लाइन में आपको पांच वर्ड्स लिखने हैं तो टोटल दो लाइन में दस वर्ड्स हो गए तो ये आपकी दो तीन लाइन है कितने कितने मतलब की ब्लॉक्स में आ जाएंगी दो में तीन में चार में कितने में है ना दो तीन लाइनों में आपका वर्ड लिमिट कितना है क्या क्या होता है कि कई लोग दो तीन लाइन में कोई दस वर्ड लिख रहा है कोई आठ वर्ड लिख रहा है कोई कुछ लिख रहा है शीट की बात कर रहा हूँ प्रेसिंग की शीट की बात नहीं कर रहा तो जो रफ शीट में आप कितने वर्ड्स लिख रहे हो वो भी आपको देखना है ठीक है उसको उसके बाद आप प्रेसी शीट में कितने लिख रहे हो प्रेसी शीट में तो पांच ही लिखोगे तो वो पांच आपकी कितनी होंगी की अब रफ सीट में अगर आपकी तीन लाइनें हैं इन तीन लाइन में हो सकता है कि आपने थर्टी वर्ड्स यूज किए हो इनमें से कोई हो सकता है ज्यादा पढ़ी हेडनाइटिंग में लिखता तो की हो तो उसने ट्वेंटी वर्ड यूज किए हो तो ट्वेंटी वर्ड्स वाले की चार लाइने आ जाएंगी थर्टी वर्ड्स वाले की छह लाइन आ जाएंगी तो इस तरीके से चीजों को भी आपको क्या करना है डिटरमाइन करना है स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कुछ शीट्स प्रिपेयर करो उन शीट्स को इसी तरीके से शीट में आप कन्वर्ट कीजिए और आप आराम से ट्वेंटी फाइव से लेंगे थर्टी मिनट्स का टाइम जो है वो ले सकते इतना टाइम आप आराम से लीजिए लेकिन जब एग्जाम से एक महीने पहले की बात करेंगे तब आपका टाइम जो है वो पंद्रह से बीस मिनट हो जाना चाहिए और एग्जाम से हफ्ते दो हफ्ते पहले तक ही आपका जो टाइम है वो कम 14 से कम चौदह से लेकर पंद्रह मिनट के बीच में हो जाना चाहिए इससे ज्यादा टाइम हमें प्रेसी के लिए नहीं लेना ठीक है अब आपके होमवर्क में क्या रहेगा आपके होमवर्क में ये रहेगा कि नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास से पहले पहले है ना जैसे आप लोगों ने ऐसे सबमिट किए थे मुझे कल उसी तरीके से फ्राइडे की क्लास से पहले पहले रात को बारह बजे से पहले पहले आपको मुझे एक प्रेसी किसी का यानी कि सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के एग्जाम का प्रेसी जो है वो मुझे आपको बना के देना है फॉर्मेट वही करना है आपको लिखना है प्रेसी फिर आप अंडर स्कोर करके अपना नाम डाल देंगे नाम डालने के बाद में अंडर स्कोर सी ए पी एफ ए सी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये आपको नोवन क्लेचर जो है ने नेमिंग कन्वेंशन है वो इसके लिए यूज़ करना है अच्छे से पिक्चर खींचिए और उसको अच्छे से स्कैन करके आप पीडीएफ के फॉर्मेट में मुझे शेयर कीजिए ठीक है